हम इंतजार नहीं करेंगे कि 14,27,000 पूरा का पूरा केवाईसी हो तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। तो मेक श्योर, मैं प्रतिदिन आप सबको बताता हूँ कि आप अपना आधार कार्ड रेडी रखिए, अपना पैन कार्ड रेडी रखिए, अपना बैंक अकाउंट रेडी रखिए, अपने प्रोफाइल को चेक कर लीजिए कि वहां पर आपका नाम स्पेलिंग सरनेम सही है कि नहीं है, जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर आपके 10 साल पुराने आधार कार्ड है तो उसको आप ई केवाईसी करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए किसी आधार केंद्र पर जाकर, या आप अपने किसी भी साइबर कैफे में जाकर, जस्ट बहुत आसान सा प्रोसेस है ई केवाईसी का, आप बोलिएगा तो वो वहां पर आपका ई केवाईसी कर देंगे। आपके जो मोबाइल नंबर अटैच्ड है आधार कार्ड से, वहां पर ओटीपी आएगा और 2EG वो अपडेट हो जाता है। अगर फोटो आपके पुराने हैं तो नया फोटो आप वहां पे लगवा सकते हैं। आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, वो जस्ट 24 घंटे में, 12 से 24 घंटे में हो जाता है, बहुत इजी है। तो वेरिफिकेशन के हम लोग रेडी हो जाइए, कभी भी वो आ सकता है। वो कनेक्ट रिन्यूअल के लिए अभी हम सबको 21 अप्रैल तक एक्सटेंशन मिला हुआ है, उसके लिए हम सबको चिंता नहीं करना है। जैसे ही वो एक्सटेंशन समाप्त होगा, मुझे पता है कि सब्सक्रिप्शन, न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आने से पहले हमारे आय सर हम सबके वैलेट में पैसा डालने वाले हैं, इसलिए कि लास्ट वेबिनार में उन्होंने बोला था कि मुझे देने में मजा आता है, लेने में नहीं। जबकि डॉक्टर तंतावी, डॉक्टर सुजान ने बोला था कि हमारे और भी प्रोडक्ट रेडी है, क्या हम उनको मार्केट में नहीं दे सकते हैं? अगर वो दे दे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एस ने कहा था कि मुझे लेने में मजा नहीं आता है, देने में मजा आता है। हम लोगों की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम उनके जेबों में पैसा डालेंगे, तब हम जाकर के न्यू सब्सक्रिप्शन लाएंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, जब भी न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आएगा उसके पहले हमारे और आपके वैलेट में पैसे आ जाएंगे। तो किसी को-होस्ट ने ये क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, हम कॉन्फ्रेंस एंड वेबिनार के लिए मैं आप सबको बता ही दिया कि वो सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, 24 से 72 घंटे में आपको वो भी न्यूज मिल जाएगा, जो हम सबको इकोसिस्टम में भी आएगा, क्योंकि बैक ऑफिस में जो चीजें आती है उसी को हम सही मानते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम लोग घबराए नहीं, सब चीज का हम लोग इंतजार करें, बहुत जल्दी यहाँ पे सब चीज होने वाला है। और एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा उसको। मेरी आवाज आ रही है ना? गणेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यस यस। ओके ओके, किसी ने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। आप लोग सुनिए जो मैं बता रहा हूं उसको, प्लीज सुनिए आप लोग, तो मजा आने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर जो करेंट सिनेरियो है उस पर हमने बात किया, अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। ऑन पैसिव की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो कुछ पोस्ट के लिए, जो पोस्ट लोग इरिटेट होकर पोस्ट कर रहे हैं, उनको देखने से मुझे लगता है कि बिजनेस जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है उसे समझने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जानकारी के अभाव में वो लोग कुछ से कुछ लिख रहे हैं वहां पर। और हमारे अगर ऑन पैसिव से इनकम आएगा और ऑन पैसिव का इनकम से वो खाना खाएगा, घूमेगा, एंजॉय करेगा, क्या सर वो खाना खा के वो क्या हजम कर पाएगा, या वो जो पैसा आएगा वो जो घूमनेगा एंजॉय करेंगे क्या एंजॉय कर पाएगा, क्या वो इतना समझदार आदमी हो कि भी इतना ऐसे इतना सारा आंखों में दिखता है फिर भी उन लोग को ऐसा इसी तरह बात करते हैं कि जो कि सह नहीं होता है, तो क्या सही में सर उन लोग को खाना खा के वो खाना जो पैसा आएगा वो पैसा से खाना खा के वो हजम कर पाएगा, या वो घूम वो पैसा से कुछ अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। यही था सर मेरा क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, आप थोड़ा बता दीजिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए, जो लोग नासमझ होते हैं लाइफ में, राइट, जिनका कोई विजन नहीं होता, जो डरे हुए होते हैं, जिनको समझ ही नहीं किसी चीज की होती, वो ऐसे ही लोग होते हैं,
उनके सिरों पे सींग नहीं उगे होते, वो ऐसे ही होते हैं जो, और जो समझना भी नहीं चाहते लाइफ में, राइट? तो इसलिए वो लोग ऐसे ही हैं। द सेकंड थिंग इज दैट कि यस, वो उनको इनकम आएगी ऑन पैसिव से, वो जब करेंगे लाइक ये हेटर्स जितने भी हैं ये सब ऑन पैसिव में ही हैं, ओके? ये कहीं बाहर नहीं गए, इधर ही हैं ये, इनको इनकम भी चाहिए और इनको सब कुछ चाहिए, ओके? तो इसीलिए जब मिस्टर एश ये कहते हैं कि फाउंडर्स कम हो जाएंगे, ओके, आने वाले 1 साल के बाद, तो ऐसे ही है ये जो डरे माइंड्स हैं, ये जो नेगेटिव बोलते थे, ये सब सब मालूम है कंपनी को, ओके? ये शायद क्योंकि इनकी इनकी जो भड़ास है, ये कहीं ना कहीं लिखते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहता है, वो चीज नोट डाउन होती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, ओके? सो इसीलिए कोई बात नहीं, जब जब कोई कंपनी बन रही होती है डेफिनेटली 100% लोग उसमें ऐसे नहीं होंगे कि उसकी विजन के साथ चलेंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सो इसलिए ये जो डरे हुए माइंड्स हैं या जो कुछ लोग समझना नहीं चाहते किसी भी बातों को, ठीक है वो आज ऑन पैसिव है बट धीरे धीरे वो लोग पहचान में आ जाएंगे और दे आर गॉन फ्रॉम ऑन पैसिव इन नियर फ्यूचर, और वहां पे फिर उनको रियलाइज होगा कि यहाँ पे जो उनके साथ के लोग थे वो तो इतनी तरक्की कर गए लाइफ में और हम फालतूगिरी करते रहे। तो ये चीज होती है, बहुत सारी चीजें लोगों को जब निकल जाता बहुत कुछ उसके बाद रियलाइज होती है लाइफ में, ओके? तो ऐसे ही वो लोग हैं, पछताते हैं फिर बहुत ज्यादा, बहुत पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारे दिमाग को क्या हो क्या गया था, ओके? तो बट तब देर हो जाती है बहुत सारी ना, तो तब तक बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे, बहुत तरक्की कर चुके होंगे, और ये चंद कुछ लोग होंगे जो कि आई थिंक ऑन पैसे में भी ना हो, राइट? सो ऐसा ही है। और क्योंकि ये देखो ऑन पैसे में हेटर्स की भी कमी नहीं है, ओके? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना इन ऐसे फालतू जो लोग बातें करते हैं उनमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको बोलते रहने दो, ओके? दैट इज देयर विश, बोलना नहीं बोलना, वी एज ए पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड्स और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सो व्हाई वी शुड आंसर दिस नॉनसेंस क्वेश्चंस उनके कि वो ऐसे बोल रहा है, बोलो भैया और बोलो सोशल मीडिया पे और जाओ और जितना बोलना बोलो, सो व्हाट, क्योंकि उनकी बातों का किसी पे असर थोड़ा है। तो वो आदमी ही बेकार है लाइफ में जिसकी बातों का किसी पे असर ना हो, राइट? तो ऑन पैसे के ऊपर तो वो बातें का असर नहीं हो रहा, वो ऑन पैसे और तरक्की करती जा रही है और तरक्की करती जा रही है, राइट? और वो लोग तरक्की नहीं करेंगे, सो इसलिए हमें टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए इन लोगों के ऊपर, और ये उनको खुद ही शर्म आएगी एक दिन, आप देखते रहना। मुझे मालूम है कौन है ऐसे लोग, मुझे मालूम है ऐसे कौन है लोग, ओके? बट वो खुद शर्मसार हो जाएंगे बहुत एक दिन, और उसके बाद वो ऑन पैसे तो चलती रहेगी, शायद वो ऑन पैसे में नहीं होंगे ऐसे लोग, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये जो होती है, तो लेट्स बी पॉजिटिव और उन लोगों को छोड़ ही दें तो अच्छी बात है, ओके?